एसो व्हाट्सअप गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताएंगे आप शॉर्ट वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हो। जी हाँ, जैसे आप पहले टिकटॉक पर बनाते थे वीडियो, अब अगर आप जैसी जोश ऐप पे बनाते हो या एमएक्स टकाटक पे बनाते हो या इंस्टाग्राम रील्स पे बनाते हो या आप कोई भी एप्लीकेशन पर अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो, तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आप उस वीडियो को कैसे एडिटिंग कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि काइन मास्टर से आप मतलब यूट्यूब वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बताएंगे कैसे एडिट कर सकते हो। काइन मास्टर से नहीं, एक दूसरी एप्लीकेशन है, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, उसके बारे में बताएंगे। अगर आप कहेंगे काइन मास्टर से कैसे शॉर्ट वीडियो एडिट करते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। बस आपको एक कमेंट कर देना है कि भाई काइन मास्टर के ऊपर वीडियो बनाओ, मतलब शॉर्ट वीडियो कैसे एडिट करें। अब बात कर लेते हैं आपको दूसरी एप्लीकेशन के बारे में, जिस वीडियो में आज के इस वीडियो में बताएंगे, तो उस एप्लीकेशन का नाम मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रुको अभी आप डाउनलोड करने मत भाग जाना, वरना अब आपको एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है और कैसे उसमें आपको वीडियो एडिटिंग करना है एकदम प्रोफेशनल, तो वो आप करना मतलब नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को एंड तक देख लेना है, उससे पहले वीडियो एंड तक देख लेंगे बाद आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले आपको एक ही रिक्वेस्ट है, बस आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक ना करो तो यार एक लाइक जरूर कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको कोई एप्लीकेशन में दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो, तो आप आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पर, आपको यूज़र नेम दिख रहा होगा, आ जाओ, या फिर लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आ जाओ और मुझसे बात कर सकते हो आप। अब बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन कौन सी और एडिटिंग कैसे करना है, तो उसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको चल के बताते हैं कि आपको अपनी वीडियोस को एडिटिंग कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। सो गाइस, आप लोगों को बताने के लिए आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है VMX। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन रुको अभी आप डाउनलोड करने मत जाना, अगर आप अभी डाउनलोड कर लोगे तो एप्लीकेशन को आपको यूज़ कैसे करना है, वीडियोस को एडिटिंग कैसे करना है, या आप वीडियो मिस कर दोगे। तो वीडियो में पहले एंड तक बने रहना, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, न्यू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, प्लस का आइकन आएगा उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हमारी जो कि वीडियो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपको एडिटिंग करना हो। तो चलिए मैंने ये वाली एडिट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से अपना जो साइज है वो लेना है और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमारी वीडियो हो गई ऐड, अब आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमारा आगे का जो पार्ट है उसको मुझे रिमूव करना है, तो यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हो खसका कर, अगर आप खसका कर नहीं ऐसे करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट का, नीचे स्प्लिट, जैसे आप यहाँ पे इसको स्लाइड करोगे नीचे स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, स्प्लिट कर दोगे और इसको आप कर दोगे रिमूव। जैसे मैंने इसको कराऊँ, यहाँ पे आप लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हो रिमूव, जैसे मैंने रिमूव कर दिया ये हमारा पार्ट हो गया है रिमूव। आप इसी तरह का आप एंड में भी कर सकते हो, जैसे मैंने एंड में करा यहाँ से स्प्लिट और उसके बाद मैंने ये वाला कर दिया रिमूव यहाँ से इस तरीके से, तो हमारा ये हो गया मेन बीच का पार्ट। यहाँ से इस तरीके से आप जैसे कट लगा कर कट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मिक्सर का, आप यहाँ पे जैसे और कोई ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट में कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, ऑडियो अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आप अपने फ़ोन में जो ऑडियो वो यहाँ पे अपलोड फॉर्म फोन में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इफेक्ट जो कि बहुत ही गजब गजब के मिलते हैं, जी हाँ गाइस, या मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, लेकिन अब देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत ही गजब गजब के मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि एकदम देखा आपने एकदम, मतलब कि जैसा आप इफेक्ट लगाना चाहो वो आप यहाँ से इफेक्ट लगा सकते हो। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद स्टिकर ओवरले में आपको कुछ मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हो जो कि बैकग्राउंड वगैरह हैं, यहाँ से आप बैकग्राउंड वगैरह भी ले सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी आपको इससे वीडियो आपकी एडिटिंग होने वाली है। तो चलिए मैंने इसको भी आपको लगा कर दिखा दिया। टाइटल अगर आप लिखना चाहते हो आप, हाँ अगर आप वॉइस ओवर देना चाहते हो वॉइस ओवर भी दे सकते हो, यहाँ से वॉइस ओवर के ऊपर क्लिक करना है, रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है, ये हमारा वॉइस ओवर हो जाएगा। बैकग्राउंड में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट रेड इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है जो कि बहुत ही काम का है, वो है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के ऊपर अभी क्योंकि आप देख सकते हो ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे आप अपने हिसाब से, वीडियो अगर आपकी गलत शूट हो गई हो तो
तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद एक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इफेक्ट में आपको बहुत ही गजब गजब के इफेक्ट मिलेंगे, इसीलिए इस एप्लीकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि इसमें इफेक्ट ही बहुत ही गजब गजब के हैं। जी हाँ गाइस, इसमें इफेक्ट बहुत गजब गजब के हैं। उसके बाद ग्लिच के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर भी आपको CTR वगैरह बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो कि मैं आप लोगों को अगर वीडियो बनाकर इसमें एक एक के बारे में बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। उसके बाद लास्ट हमारा कलर लैब है, यहाँ से भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको बहुत सारा जो कि कमाल कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियो एडिट करना चाहते हो, शॉर्ट वीडियो के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप प्ले स्टोर से भी VMX करके डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन कमाल की है, इस एप्लीकेशन ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, प्रमोशन नहीं करवाया, मैं खुद कह रहा हूँ मुझे शॉर्ट वीडियो के लिए एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों को बताया। हाँ और हाँ गाइस, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मतलब काइन मास्टर से शॉर्ट वीडियो कैसे एडिट करें, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो यार इस वीडियो में भी कमेंट कर दो कि शॉर्ट वीडियो के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, काइन मास्टर से कैसे एडिट करें शॉर्ट वीडियो, इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो यार कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पर बना दूंगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पर, वहाँ से आप मुझसे